ये दिखाएं जी, ये इनका ही कानून है ना, सामने ये देखें, ये इनका कानून है। 18 दिसंबर 2018 को आपने ये कानून बनाया बहसियत प्राइम मिनिस्टर। आपने कानून बनाने के बाद उस कानून की खुद धज्जियां उड़ाकर आपने ये साबित कर दिया कि आप रूल ऑफ लॉ की जो बात कर रहे हैं अवाम में झूठ बोल रहे हैं। आपने अवाम में आके झूठ बोला मेरा गिफ्ट है, मेरी मर्जी, मैं बेच दू। आपने बेच, आप बेच ही नहीं सकते। अच्छा, इस जिम के अंदर एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस भी मौजूद है, बिल्कुल है। अब मेरी बात सुने, मैं उन चीफ जस्टिस को और उन वकला को कहता हूं, आए ये कानून उठाएं, इस कानून को पढ़ें, और अब तक ये जितने भी हुक्मरान हैं 20 साल के, उन सबसे गिफ्ट की जरा शनाख्ती प्रिंट करें। उन्होंने कहा है, जस्टिस मियांगुल हसन के रिमार्क से मैं यही इसलिए पढ़ के सुनाना चाह रही थी, उन्होंने कहा कि जो लोग ताइफ घर ले गए उनसे भी लेके आओ, और जो जो सूरत हाल बनी उस वक्त की वो सारा रिकॉर्ड हमें दिखाओ। नहीं, रिकॉर्ड नहीं लाओ, वो ताइफ मंगाए। अगर ताइफ उन्होंने दिखा दी है तो इट्स ओके, और अगर उन्होंने ताइफ भेज दिए तो वो भी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, गिलानी साहब हो, राजा परवेज अशरफ साहब हो, वो भी डिस्क्वालीफाई हैं ताहयात। इसके साथ साथ आपने यहां पर सबसे बड़ा जो टांका लगाया है वो गवर्नमेंट के एफवीआर फंड को लगाया है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को लगाया है। आपने ना इस पर ड्यूटी दी, ना आपने इस पर सेल टैक्स दिया, ना आपने इस पर इनकम टैक्स दिया, और आपने इनको 14 करोड़ रुपए का फायदा अपनी जेब में डाल लिया। आपके ऊपर सीधा सीधा ये नैप करप्शन केस है।